हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिविटेरियम में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी आप लोग को देते हैं अपने क्रिकेट चैनल पे, जहां आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैरेबियन प्रीमियर लीग 2022 के बारे में, और ये CPL का विश्व मैच है। दोस्तों ये मैच होने वाला है सेंट किट्स एंड नेविस, पैट्रियट्स और सेंट लुसिया किंग्स के बीच में। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं ये फिर से कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ मिलती रहे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। तो ये मैच होने वाला है 17 सितंबर शनिवार को 7:30 PM से ऑन ग्राउंड ऑफ ब्रेन लारा स्टेडियम ट्रोबा ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में। अब मैच की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें दोस्तों सेंट किट्स की तो एंड नेविस की, तो आंद्रे फ्लेचर हैं हाईएस्ट ऑफ लीडिंग रन स्कोरर हैं, ये एक फाइन स्ट्राइकर हैं। सेंट किट्स एंड नेविस की साइड से डोमिनेट करेंगे सेंट लुसिया किंग्स को। एफी फ्लेचर हैं टॉप विकेट टेकर वेस्ट इंडीज की साइड से। अगर बात करें दोस्तों सेंट लुसिया किंग्स की, तो स्कीपर जॉनसन चार्ल्स हैं टॉप रन स्कोरर हैं अगेंस्ट सेंट किट्स एंड नेविस की साइड से। वहीं अल्जारी जोसेफ हैं स्ट्रॉन्ग चॉइस हैं फॉर विकेट टेकर फ्रॉम सेंट लुसिया किंग्स अगेंस्ट सेंट किट्स एंड नेविस के। अगर बात करें दोस्तों हमारे क्रिकेट प्रेडिक्शन की साइड से, तो सेंट लुसिया किंग्स एक स्ट्रॉन्ग टोटल है इस गेम में। अगर पिच के रिपोर्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसे जैसे मैच प्रोसीड कर रहा है, हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिच अच्छे सरफेस में हो रही है और ये कॉन्स्टेंट बाउंस दे पाएगी। स्पिनर्स की टर्न को काफ़ी फेवर देने वाला है ये पिच। मैच के बाद सबसे पहले इस पिच पर बल्लेबाजी करना बेहतर होगा। अगर बात करें दोस्तों, तो 160 से 165 तक का स्कोर हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पिच पर। अब चलते हैं की प्लेयर्स की तरफ दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो सेंट किट्स एंड नेविस के की प्लेयर्स हैं, फर्स्ट में रखना चाहेंगे आंद्रे फ्लेचर को, सेकंड में आएंगे राशिद खान जो कि काफ़ी अच्छे लय में दिख रहे हैं, और थर्ड में आएंगे डेन ब्रेवो। और वहीं अगर सेंट लुसिया किंग्स की बात करें दोस्तों की प्लेयर्स की, तो फर्स्ट में रखना चाहेंगे जॉनसन चार्ल्स को जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, और फाफ डुप्लेसिस से सेकंड में आएंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किए थे पिछले मैच में, और थर्ड में रखेंगे अल्जारी जोसेफ को, बहुत ही अच्छे लय में तीनों के तीनों प्लेयर देख रहे हैं अपनी टीम की साइड से। वहीं लास्ट 5 मैचेस की बात करें दोस्तों, तो सेंट किट्स एंड नेविस ने पिछले 5 में से 2 में अपनी जीत का सामना किया है, और वहीं सेंट लुसिया किंग्स ने पिछले 5 में से 2 में जीत का सामना किया है। दोनों ही टीमें अच्छी है, पर यहाँ दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस अच्छा है, एक दूसरे को काफ़ी बढ़िया कॉम्पिटिशन देती दिख रही है दोनों टीम। अब देखा जाए दोस्तों स्टैटिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए, तो दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी है और टूर्नामेंट के साथ दोनों ने अच्छा प्रोग्रेस किया है। सेंट लुसिया किंग्स हमारी फाइनल बैडिक्ट और प्रेडिक्शन रहेगी दोस्तों हमारे क्रिकेट साइड से। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मेंशन कीजिएगा, हम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। और फिर से मैं अंत में कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ मिलती रहे। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।